बोलते लाफिंग डव। ये अलग अलग ग्रेन्स हैं जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं। वेल वेलकम टू डे 3 ऑफ जोको सीरीज। आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया है, हम गए सिर्फ रूम में रहे हैं, सोए हैं। अभी शाम को हम एक अलग एडवेंचर करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द बिश्नोई विलेज सफारी, जिसके लिए हमने एक एजेंसी है। भाई अपनी एजेंसी का नाम क्या है? बिश्नोई विलेज जीप सफारी। बिश्नोई विलेज जीप सफारी एजेंसी है। भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनको आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये जीप सफारी है जो बिश्नोई विलेज हमारे जोधपुर के करीब 30 किलोमीटर दूर है, उधर लेके जाते हैं। वहाँ का लोकल कल्चर, लोकल फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों के बीच में हमारा ये टूर रहने वाला है। सो इट्स अराउंड 4 घंटे का टूर रहता है, 3 या 4 घंटे का, वो वहीं हम जाते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग बिश्नोई विलेज, तो ये 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। सबसे पहला है बिश्नोई मूवमेंट, जिसको चिपको मूवमेंट का भी इंस्पिरेशन माना जाता है। लेजेंड सेज के 1700s में एक किंग थे जोधपुर के, महाराजा अभय सिंह, तो उन्होंने बिश्नोई विलेज से कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ काटने बोला था। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है वो पेड़ों को क्लिंग कर गई थी, उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया था इन अपोजिशन के वहाँ के पेड़ नहीं काटे जाएंगे, सिंस देर आर वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी। सो चिपको मूवमेंट जो पहला चला है इंडिया का, वो बिश्नोई विलेज से चला है। सेकेंडली जो बिश्नोई विलेज फेमस है वो है 1998 में हम साथ साथ एक शूटिंग के दौरान जो सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया था, वो वहीं किया था। बिश्नोई कम्युनिटी ही है जिसने सलमान खान के अगेंस्ट केस किया था उसके उस रिगार्डिंग। सो अभी हम निकल चुके हैं बिश्नोई विलेज जाने के लिए। अराउंड 4:30 का टाइम हो रहा है, इट्स 5 o'clock। तो इसका बेस्ट टाइम होता है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ तो थोड़ा ठंडा रहता है, या फिर आप थोड़ा शाम के टाइम जाओ, क्योंकि जो एनिमल्स हैं लाइक ब्लैक बर्ड्स हैं और भी कई सारे एनिमल्स हैं, वो आपको थोड़ा इन्हीं टाइम पे दिखेंगे। दोपहर में आप जाओगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि गर्मी में सारे जानवर अंदर हो जाते हैं। अब क्या क्या है भैया के पास हमारे लिए स्टोर में, ये हम वहीं जा कर देखेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट मिलती हूँ बिश्नोई विलेज में। सबसे मुश्किल है और सबसे वहाँ, तो इसलिए ये बढ़ गए सब। और इनमें देखिए 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। कैसे पता चल रहा है? इनके हॉर्न से डिफरेंस से पता चल रहा है। एक मेल के देखिए गहरे बड़े हॉर्न है और फीमेल के छोटे छोटे हॉर्न है। जो सबसे लास्ट में जो आराम से चल रहा है वो मेल है जी। ट्रीज है तो सब ये प्रोटेक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर ट्रीज को। इन ट्री को बोलते हैं खिचड़ी। इनके पीछे इन्होंने जान दे दी चिपको मूवमेंट पे, इस ट्री के पीछे। और इस पेड़ के पीछे लगती है केर सांगरी की सब्जी, अगर आपको पता हो मिलती है जो तो सांगरी इस पेड़ से मिलता है। और केर जो है वो एक छोटा सा बूस है उससे मिलता है, दोनों के मिक्सर से ये सब्जी बनती है केर सांगरी। नहीं नहीं अभी आपको दिखाएंगे विष्णु जी का। ये मेल है नील गाय, क्योंकि इसके हॉर्न्स है वो ग्रे कलर का। फीमेल्स जो होती है उनके हॉर्न्स नहीं रहते नील गाय। और ये फीमेल्स जो है इनके अगर नील गाय के अगर पैर देखेंगे ना, उसे लगता है इन्होंने पैर में मतलब सॉक्स पहने हुए हैं। डिज़ाइन उस तरह का इनका आता है, देखिएगा उसको, देख सकते हैं आप, चमक रहा है ब्लैक एंड वाइट। वाइट बहुत प्रोमिनेंट सा रहता है जी। ये फीमेल्स, वो एक मेल खड़ा है, ये सारी फीमेल्स चिंग करा खड़ा है। देखिए तो बोलते हैं लाफिंग डव, फीमेल है ये। एक बैठा है,
पीछे दो तीन बैठे थे क्या, हाँ दीवार के शेड में छाव में धूप लगती ना, वो देखिए काफ़ी भाग रहे हैं आगे, काफ़ी निकल गए, एक दो दो ये बैठे हैं। विष्णु विलेज, हम अभी यहाँ पे एक लोकल फैमिली को विजिट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ कुपेन भैया, वो हमको इस विलेज के बारे में और डिटेल में बताने वाले कि ये ट्राइब कैसे सेटअप हुआ था, क्यों ये इतना प्रिजर्व्ड है, एनवायरनमेंट के लिए क्यों ये इतने एक्टिव रहते हैं। सो भैया वेलकम टू आवर चैनल। अभी आप हमें ब्रीफ में जल्दी से बताइए ये क्यों, मतलब ये विलेज इतना इम्पोर्टेंट होल्ड करता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। मैम ये 300-400 साल पहले मतलब एक इनके गुरु थे जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने ये कुछ ट्राइब बनाया था। उन्होंने देखा था कि लोग हंटिंग कर रहे हैं, नेचर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो उन्होंने आगे का सोचा जो आज अपन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख के बोल रहे हैं। ये लोग 400 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि आप पेड़ को बचाइए, नेचर को प्रोटेक्ट करिए, एनिमल्स को हंट मत करिए, और ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने मतलब ऐसा करके एक रूल बनाए थे, 29 रूल्स उन्होंने बनाए, और उन्होंने बोला जो लोग ये 29 रूल्स फॉलो करेंगे वो विष्णु ही बन जाएंगे। सो उस समय जिन जिन लोगों ने 29 रूल्स फॉलो किए वो विष्णु ही बन गए। 29 रूल्स में फर्स्ट 20 रूल रिलेटेड टू नेचर है, ट्रीज एनिमल्स वगैरह प्रोटेक्ट करना, और रेस्ट 9 में नो अल्कोहल नो स्मोकिंग, और पूरा मतलब प्योर वेजिटेरियन इस तरह के, मतलब पूरा जो मैन जो होते हैं वो वाइट टर्बन वगैरह पहनते हैं, वाइट कलर पीस के लिए रहता है, वुमन कलरफुल ड्रेसेस पहनती है, हाफ मून नोज रिंग भी रहता है, तो ये इनका मतलब ये मेन है। और ये खुद के खेतों में रहते हैं ताकि नेचर को अच्छे से ये लोग बचा सकें। और मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी यहाँ के बारे में, अबाउट चिपको मूवमेंट एंड सलमान खान केस। भैया ने अभी रिसेंटली में बताया था आते आते कि यहाँ से एक अभी आईपीएल में प्लेयर भी निकले जो इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके हैं, रवि बिश्नोई, वो यहाँ के एक मतलब बडिंग प्लेयर हैं, जो कि बहुत ही प्राइड की बात है पूरी कम्युनिटी के लिए। अभी ओके तो फिलहाल क्या है ना, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे मई जून में, तो मानसून में जब होते हैं यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग हो जाता है, बट टिल मानसून अराइव्स यहाँ पे मिल्क सेलिंग ये सब ही ऑक्यूपेशन बचता है इन लोगों के पास, क्योंकि अभी फार्मिंग करने के लिए इतना वाटर सफिशिएंट नहीं होता है। अभी फिलहाल हम जहाँ पे आए हुए हैं वो एक लोकल फैमिली है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, उनका एक घर है जो कि ट्रेडिशनल हट है, उसको विजिट करने वाले हैं। तो चलो अंदर चलते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके देखते हैं। So we have with us Vishnu जो कि हमें घर दिखाने वाला है। अंदर आए तो फिर का ध्यान रखिएगा मैम लेने का। जी बहुत ही लो हाइट पर है। ये आसी पीसने की गट्टी है, इसी से बाजरा आदरा पीसते हैं हम लोग, और इसमें बाजरा स्टोर करते हैं 2-3 साल तक खराब नहीं होता, मिट्टी का बना कीड़ा हीड़ा नहीं लगता है। ये स्टोर कर दे, जैसे साल में एक ही बार बारिश होती ना, पता नहीं बारिश पे डिपेंड है हमारा बाजरा होना, बारिश नहीं होगी खाएंगे क्या, इसलिए स्टोर कर देते पहले 2-3 साल। तो अभी फिलहाल आप लोग इसको स्टोर रूम जैसे यूज करते हैं अभी भी यूज कभी कभार जैसे हमारे यहाँ कभी कभार नहीं पीसाने जाते तो इसी से पीसते हैं बाजरा। अच्छा
और ये चरका है। अच्छा कपड़ा भी बुनते हैं? पहले बुनते थे, अभी तो नहीं बुनते, अभी दादी जी नहीं बुनते। अच्छा दादी जी करते थे कपड़े। चक्की में से चलाई भारी है यार। ये रोज का काम रहता था क्या? हाँ पहले रोज का काम रहता था, दादी जी रोजाना करती थी। अभी तो 6-7 हो गए, 5 साल हो गए या 4 साल हो गए नहीं कर रहे, कम कर रहे, नहीं तो रोजाना करते थे 4 साल पहले। वो वंडर दादी लोग इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, इतना भारी है वो आज के डंबल्स के आगे, ये ज्यादा भारी लग रहा है। और इतनी एक्सरसाइज अगर रोज करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा आर्म वर्कआउट होने वाला है। और ये प्यारी सी हट है, अभी इस तरह की हट्स में रहने के लिए हम हेरिटेज होटल्स को पे करते हैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पर डे, बट यहाँ पे पहले ऐसे ही रहा जाता था। ये रहा इन लोगों का स्टोव, ये अभी भी यहीं पे उपलो पे ही खाना बनता है, लेकिन डबल बर्नर है ये, देखो आप, सिंगल बर्नर नहीं है यहाँ भी। और ये गांव का जैसे फ्रीज है, इसमें दूध दही रखते हैं, खुले में हवा लगती रहती है तो कुत्ता बिल्ली मुँह नहीं डालता। अच्छा तो बाहर रखने का क्या रीज़न होता है इसमें? यहाँ लाइट आइटें रहती नहीं तो फ्रीज है ना, इसमें रखते हैं नेचुरल। अच्छा ऐसा, इसके ऊपर क्या करते हैं, कपड़ा जो होता है ना उसको गीला करके लपेट के रख देते हैं ताकि ये जो हॉट विंड जो आती है ना वो अंदर पास करके ठंडा जाए, ताकि ये फ्रेश रहे, खराब नहीं हो। अच्छा। तो इसको जब लेना होता है तो ऐसे ऊपर करके यहाँ से। तो ये नेचुरल फ्रिज का काम करता है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रिज अगर नहीं हो आपके पास, एक कपड़ा गीला करके, टेक्निक की कमी। ये अलग अलग ग्रेन्स हैं जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं, बाजरा, तिल, अपना मूंग, ये केर नहीं, ये सांगरी, ये केर, जो केर सांगरी की सब्जी बहुत फेमस है राजस्थान की, ये वो दो चीज़ें हैं। एंड दिस इज द फ्रूट फॉर ओपियम, अफीम का फ्रूट है। जब ये ग्रीन होता है तब इसमें से ओरिजिनल ओपियम निकलता है, जो कि अभी इलीगल है तो हम अभी नहीं देखने वाले ये सब चीज़। एक ग्रीन होता है शाम को 5-6 बजे, ब्लेड से कट लगाते हैं, कट लगा देते और नीचे कटोरी पॉलिसी रख देते, सुबह तक मंदिर आ जाता ऊपर। सिंस ओपियम इलीगल है तो हम ये डेमोन्स्ट्रेशन ओपियम वाला गुड़ से देखने वाले हैं यहाँ पे, कि कैसे ओपियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये गुड़ है, ये गुड़ है, कुछ इलीगल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पहले शादी ब्याह कुछ भी होता, हम विष्णु लोग जिनसे नशा नहीं करते, तम्बाकू बांस से दारू कोई टच भी नहीं लेते, सिर्फ ओपियम के लिए। और ओपियम वही लेना जो 40 से 50 साल से ऊपर लगा, बच्चे और लेडीज नहीं लेते। और पहले गांव में मेडिसिन के तौर पे यूज करते थे ओपियम को, सर्दी जुकाम या कुछ लगते तो बच्चे लेते थे छोटे, और जो बड़े होते थे वो मेडिसिन के तौर पे यूज करते थे, वो बीपी की शुगर की कोई टैबलेट नहीं लेते थे, थोड़ा बहुत ओपियम लेते थे। और पहले राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, सारे सैनिक को अफीम दे के भेजते, कोई कटर लग जाए तो दर्द नहीं करता। और ये अफीम सारे टैबलेट में मिक्स होता है, कम मात्रा में, कैसा भी टैबलेट खाओ कम मात्रा में अफीम मिक्स है। अभी आपको दिखाते हैं डेमो करके कैसे लेते हैं। अब इसको फिल्टर करते हैं, कचरा आचरा हो तो निकल जाता है। क्या है?
दूर से ही सही हमें एक ब्लैक बक दिख रहा है, जितना हम जूम कर सकते हैं पॉसिबली कर रहे हैं। ब्लैक बक्स एक्चुअली बहुत ही रेयर हैं यहाँ पे और बहुत ही शाय एनिमल्स हैं, तो बाहर कम ही आते हैं। नट सिंस हमें दूर से ही दिख रहा है तो आपको भी दिखा देते हैं। अभी भैया बोल रहे हैं कि कोशिश करते हैं आगे जाके और हमें दिख जाएंगे, बट जो दिख गया एटलीस्ट उसको तो हम कैप्चर कर ही सकते हैं। अब हम आगे जाके और ढूंढने की कोशिश करते हैं ब्लैक बक्स अगर हमें मिल पाते हैं तो। मेल था, ये फीमेल है। छोटे हैं अभी, इसलिए इनका पूरा कलर ब्लैक नहीं हुआ है। टिल 4 or 5 ईयर्स ऑफ एज ये थोड़े ब्राउन कलर के ही होते हैं, बट इनके हॉर्न्स हैं इससे समझ आ रहा है कि ये मेल्स हैं। वो अंदर भी 2-3 छुपे हुए हैं, बट ये 2 तो हमको सामने दिख रहे हैं। आइकॉनिक एरिया जो कि जहाँ पे सलमान खान ने डियर हंटिंग करी थी। एंड ये जो सामने घर हैं ये सारे विटनेसेस के घर हैं। एंड अब इस एरिया में जो क्लियर आउट एरिया है यहाँ पे एक डियर पार्क बनाने की बात चल रही है जो कि उन डियर्स की याद में बनने वाला है। आ चुके हैं आर्टिस्ट विलेज में। यहाँ पे भाई कौन सा दरियो देखिए अपना, बुधराज दरी उद्योग में। और भैया हमारे सामने लाइव दरीज बना रहे हैं। ये क्या टेबल का रग है या फिर क्या बन रहा है अभी? जी मैं मछली ये छोटा रग बना रहे हैं जो टीपॉय के लिए यूज होता है। ओके, एज यू कैन सी हैंड वीविंग कर रहे हैं, ये एक एक धागा इसमें वीव किया जा रहा है। वो कितने प्रिसिशन से काउंट करते हुए धागे इधर पे वीव करते हैं भैया। ये कितने साल पुराना है अपना ये वाला जो इंडस्ट्री है? एक्चुअली मैम ये एक्चुअली फैमिली बिजनेस है। ओके, बिश्नोई विलेज के अंदर पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी जो है दरी बनाने का काम करती है। ओके, हम सब हैं प्रजापति कम्युनिटी से। ओके, और ये वर्क तकरीबन हमारी फैमिलीज के अंदर इन लास्ट 14-15 जनरेशन से हो रहा है। ओके, मतलब इयर्स तो बोल रहे जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे से। तो मतलब फैमिली ट्रेडिशन है आपका, फैमिली ऑक्यूपेशन में है। तो कितने तरह की अपने पास दरीज होते हैं आपका? एक्चुअली मैम दरीज में हम लोग ये सेम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरलॉक वीव। ओके, इंटरलॉकिंग वीविंग अपने पूरे भारत में सिर्फ बिश्नोई विलेज के 6-7 विलेजेस में ही होता है। ओके, और हम लोग इनको 4-5 टाइप ऑफ फैब्रिक से बनाते हैं। अब जो बना रहा हूँ ये कॉटन से है, बट इसके अलावा हम इसमें कैमल फूल, गोट फूल, शिप फूल, सिल्क एंड जूट जैसे फैब्रिक से हम लोग वीविंग करते हैं। तो ये बनने में कम से कम 5-7 दिन तो लग जाते होंगे एक चीज। बेसिकली ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है ना, डिपेंड करता है डिजाइन पे। ओके, बट जैसे अभी जो ये वाला दरी मैंने बनाया है इसको वीव करने में मुझे 3.5 डेज लगा है। इतना पार्ट करने में अभी तक एवरी डे जब वीव करते हैं तो मैक्सिमम इसमें 5-6 इंचेस वीव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर बाइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हमें पता होना चाहिए कितना हार्ड वर्क इसके पीछे जाता है। एक एक धागा प्रिसिशन से बांधना पड़ता है इसमें। भैया बता रहे हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक, दिस इज यूनिक टेक्निक। ये होता है इसमें कि अभी जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैं एवरी कलरफुल थ्रेड को हम लोग इन बीच दो ले के सेंटर में से डालते हैं और इसको वीव करते हैं। ओके, उसके बाद 1 by 1 करके जैसे ही हम लोग एक लाइन पूरा कंप्लीट करते हैं देन वी हैव टू डू इंटरलॉक। ओके, सो इंटरलॉकिंग सेटअप ये है। ओके, पूरा लाइन कंप्लीट करने के बाद हम इन पैंडल्स को अप एंड डाउन करेंगे। अच्छा, जैसे ही अप एंड डाउन करेंगे तो ये वार्पिंग की जो डबल लेयर्स यानी ताने की वो चेंज हो जाएगी। ओके, नीचे वाली ऊपर आएगी और ऊपर वाली नीचे। तो ये स्ट्राइप का इंटरलॉक जो है वो फीट के आगे आएगा। ओह,
और ये लॉकिंग प्रोसेस पर इंच वीव के अंदर 26 टाइम फॉलो होता है। बाप रे। सो इट मीन्स ये रग्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर रेगुलर भी यूज करेंगे फिर भी ये 40-50 साल चलेगा। एंड टाइल्स पे तो 3-4 जनरेशन चल जाएगा। अब सब बता दिया, अब आपका नाम और बता दो। मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम। तो अगर मतलब कोई परचेस करना चाहता है तो वो भी अपने पास ऑप्शन है। एक्चुअली मैम ये बुधवास दरी उद्योग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके। जिसमें प्रजापति कम्युनिटी के हमारे आसपास में 6-7 विलेजेस में 178 फैमिलीज का हमारा बड़ा समूह है। जिनका जो भी फिनिश गुड्स होता है वो हमारे कोऑपरेटिव स्टोर में ही रखा जाता है। हम लोग सेलिंग जो है वन प्लेस से करते हैं। ओके। हमारे ये प्रोडक्ट आपको सिटी में कहीं अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो आपको ओरिजिनल जो इंटरलॉक लीफ इन बोथ इन बेरीज है वो नहीं मिलेगा। और इसकी खास बात ये है कि हम लोग इनमें ऑर्गेनिक नेचुरल कलर यूज़ करते हैं जो कि ये वॉशेबल होती है, ना वॉशिंग से खराब होती है ना धूप से। ओके। अनदर कॉटेज इंडस्ट्री, अभी हमने दरीज बनते हुए देखे आर्ट विलेज में। अभी फिलहाल हमने लूनी विलेज में, यहाँ पे क्ले वर्क करते हुए हैं। यू कैन सी ऑल दीज लिटिल स्ट्रक्चर्स जो कि क्ले से बने हुए हैं। अभी तोड़ते हैं छोटे छोटे मिनिएचर कैमर्स और आपको मटके सुराही ये सब भी अलग से मिल जाएंगे। इवन यू गॉट एंटायर टी सेट मेड अप ऑफ क्ले। तो अभी भैया हमको लाइव बताने वाले हैं कि ये अपनी चिकनी मिट्टी है जी। ये मिट्टी लेके आते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गांव है मोकलसर, जो पड़ता है बाड़मेर जिले में, वहाँ से लेके आते हैं। तालाब की मिट्टी है और इसके अंदर हम ऐड करते हैं चूल्हे की राख और लकड़ी का बुरादा सॉडस्ट, दो चीज़ ऐड करते हैं मजबूती के लिए। और जो ये काम है हमारा है तो हजारों साल पुराना, बट हमारे परिवार में 350 साल से करता है। और जो ये मैं कर रहा हूँ ये 12-13 साल से, तो हमारा काम जनरेशन टू जनरेशन चलता है। Thank you.
ये हो गया अपने स्पाइसेस को मसाले के लिए, दही के लिए, वेज के लिए। इसका ढक्कन है ना, प्रिसिशन देखो कितना सही है, वो साइज का ही बना है बिल्कुल उसका। ये इसका ढक्कन एकदम सेम साइज रहेगा ना, थोड़ा स्टोर कर देंगे। आई एम गोना ट्राई माय हैंड्स ऑन दिस। चलो पानी दीजिए पहले, तो दोनों को धीरे धीरे कोशिश कीजिए और क्या से कम से धीरे धीरे पकड़ो मत, इसको पकड़ो मत। अच्छा उसको अंगूठे को धीरे धीरे पुरुष कराए थे, अंगूठों को धीरे धीरे कम उसको नीचे दबाव नहीं देना, धीरे धीरे अंगूठों को उसको धीरे धीरे पकड़ो मुझे दाउन तो बैठी गलत है वो बैठना कुछ कुछ और ही बन गए, तुमने चूड़ा बना दिया हाथ का। दबाव नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल, हाथ का कुछ दबाव नहीं, हाथ उंगलों का कोई दबाव नहीं, ओनली अंगूठों पुरुष करो धीरे धीरे, ऐसे हाथ को ऐसे फिर रखो, पकड़ना नहीं है उसको, धीरे धीरे पुरुष करो। भैया ने संभाल लिया, वैसे मैंने बहुत ही आउट ऑफ शेप बनाया था, ये जो भी बनाया था इसको टाइम दिया था। सूप बॉल समझ लो, दही का हो, कुछ भी समझ लो। वैसे हम लोटा बनाने वाले थे ना, बट स्टिल द फर्स्ट क्ले वर्क है। सही है, अभी हमारे यहाँ पानी नहीं आते मेरे लिए मटका का। हाँ अच्छा है, गर्मी से ठंडक देगा। आप ऑयल डाल दो 20 ग्राम कुकिंग ऑयल, इधर कोटन भी फिर इसको जला दो लाइट के लिए 10-15 घंटे तक चलता रहेगा कुकिंग। और ये अपने जावा आईडी की स्क्रब लूफा यूज होता है, उसकी जगह ये होता था पहले, अभी लूफा जो बन गया। अभी आप आराम से देखिए, आप वहाँ हैंड वॉश करके आ सामने। So right now we're back at our hotel Congo Dhabi Palace. This brings us to any 3-day tour of Jodhpur and to bring it into our birthday celebrations. कल हमारी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे जोधपुर के लिए। It was a very fun trip, I must say. मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 से 2:30 पर निकल के आइए, आप आराम से इस जगह को घूम सकते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम क्रंच है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, तो गर्मी सीजन हो तो एक दिन में आप एक्चुअली विद इन जोधपुर सारे मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस कवर कर सकते हो आराम से। हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था तो हमने स्प्रेड आउट कर रखा था, एग्जॉर्ट ना करते हुए हमने थोड़ा स्प्रेड आउट रखा था। बट हाँ, अगर आपके पास सिर्फ एक दिन भी है सो स्टिल यू कैन कवर कर रहे हैं। अबाउट द पिछले टूर जो हम आज गए थे, जो लास्ट डे तक है, उसके लिए भैया ने मेरे को बार बार ये बोला कि या तो अगर आप गर्मियों के टाइम आते हो तो अर्ली मॉर्निंग 7-6:30 इस टाइम में निकलो, या फिर शाम को 5-5:30 के अराउंड ये ट्रिप के अंदर आती। ट्रिप का चार्ज था 2500 सिर्फ दिस सीजन ऑफ सीजन। ओके, इसका जो सीज़न होता है मेनली होता है विंटर्स में, तब इस ट्रिप के टाइमिंग्स और जो प्राइसेस होते हैं फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, लेकिन लाइक 3,500-4,000 एज वेल। तो अगर आप विंटर्स में आते हैं, लेकिन हाँ विंटर्स में खासियत ये होती है कि विंटर्स में आप पूरे दिन में ये चीज़ें कर सकते हो, आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख सकते हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे हैं। एंड
Yeah, this was about it. It was lovely city to be in. एक एक जगह मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा सिवाय वो डेजर्ट वॉक पार्क के मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं लगी जो कि डिसअपॉइंटिंग सी लगी थी. गर्मी में भी आए हैं लेकिन एनर्जी रखी पूरी तरह से. जस्ट द थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड एंड हैव लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन विद यू, यू विल ऑल बी फाइन. कोई दिक्कत नहीं होती है. एक अच्छे होटल में रह लो और हेरिटेज होटल हर जगह मिलेंगे आपको यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे एक लोकल कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो दिस वॉज इट. There is a goodbye from the lost wanderers. Please, इस वीडियो की सीरीज को इन तीनों पार्ट्स को यहाँ तक आपने देखा है सो लाइक करें बिना ना जाना. अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो. और घंटे को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना. अब हम मिलते हैं प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक. टिल देन इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द लॉस्ट वॉन्डरर्स. हैव अ नाइस टाइम.